वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला टिंडा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी है, क्विकली बन जाती है। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने जो है लार्ज साइज़ का टिंडा लिया हुआ है। इस साइज़ का ये देखिए, इसे बनाने के लिए हमने टिंडा लिया है, उसे वाश करके हमने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। ये हमने लार्ज साइज़ का टिंडा लिया हुआ है। हमने ओनियन लिया है 1 मीडियम साइज़, उसे हमने चॉप कर लिया है। 5 हमने टोमेटो लिए हैं, उन्हें छिलका उतार के हमने इस तरीके से कट कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 होल हमने रेड चिली लिया है, मेथी दाना लिया है, टर्मरिक हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हम लेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही हम लेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लेंगे, सौंफ पाउडर लेंगे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना पैन जो है गैस पर चढ़ा दिया है और ये हीट अप हो गया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा हीट अप होने देंगे। हमारा ऑयल जो है हीट अप हो गया है। अब हम इसमें अपनी फ्यू रेड चिली ऐड कर देंगे, 3-4 मेथी दाना ऐड कर देंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून जो है जीरे का ऐड कर देंगे, उसे थोड़ी देर भूनने देंगे। दाना, जीरा और रेड चिली भून चुके हैं। हम हमारे ऑनियन जो है भून चुके हैं। अब हम इसमें अपने टिंडे जो हमने लार्ज स्लाइस में कट किए हैं वो ऐड कर देंगे और इसे इसके साथ ही 2-4 मिनट तक भून देंगे। हमारे टिंडे जो है ऑनियन तक थोड़े भून चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही साल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसे थोड़ा पका देंगे। अब हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून अपना रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून अब हम इसमें सौंफ पाउडर ऐड कर देंगे, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें जो है अपना टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही हम अपने टोमेटो जो हमने कट किए हैं वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसने जो अपना वाटर है रिलीज कर दिया है। हमने इसमें कोई वाटर ऐड नहीं करना है। अब हम इसे ढक के 5-10 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे। हमने जो गैस का फ्लेम है वो लो रखना है इसे पकाते वक्त। देखिए हमारे जो टिंडे हैं अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमारे मसाला टिंडे की रेसिपी जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे और अपना गैस जो है वो बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसाला टिंडा की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। ये रेसिपी खाने में थोड़ी सी टैंगी, थोड़ी सी स्पाइसी टेस्ट देती है और बहुत ही यम्मी बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।